हेलो दोस्तों, आज हम घूमने के लिए निकले हैं एक स्कूटी से और सामने मेरे दोस्त हैं बाइक पर और मेरे भैया हैं। हम जाएंगे कामाईगंज में एक बैंक में, तो ऐसे ही घूमने के लिए निकले हैं। तो सोचा कि एक ब्लॉग बना लेता हूँ और आप लोगों को भी इस सुंदर से नजर का व्यू दिखा दूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ खुशी के बारे में मैं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो सुंदर नजारा है ना यार, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिंग है। इतना नेचुरल ब्यूटी है, मतलब असम का तो यही खासियत है ना, मतलब नेचुरल ब्यूटी मतलब हर चीज़ नेचुरल। आप लोग बस नजारा देखिए ना, कितना ग्रीनरी है, हरियाली है, ओ माय गॉड, मजा ही आ जाता है। देखिए पैडी फील्ड, ओ अभी आप लोगों का बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, देखिए कितना साफ सुथरा है, चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी, क्वाइट इम्प्रेसिंग, मतलब आंखों को सुकून मिल जाता है। ये है गाय, ये देखो सामने फेरा भी है और सामने मेरा दोस्त है बाइक पर, हैंडसम दोस्त, पूरा गॉगल्स पहन के जा रहा है। मैं वो गॉगल्स मांगा था कि मुझे वीडियो बनाना है, दे दे प्लीज़, मैं तो भिखारी आदमी हूँ, मुझे दे दे, लेकिन साला दे नहीं रहा था। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे वीडियो। अभी अलग हो गए पीछे, खुशी के बारे में कुछ भी बोल देता हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड एंड एंजॉय द ब्लॉग मैन। ये गांव का नजारा आपको दिखाते हुए, देखिए असम का गांव कितना साफ सुथरा और सुंदर होता है, कितना सुंदर नजारा। बहुत ही अच्छा व्यू मिलते हुए, और यह है गांव का एक सुंदर सा छोटा सा सरकारी स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल। देखिए ना, गांव है लेकिन साफ सुथरा है, शहरों में इतना डेवलपमेंट है लेकिन कचरा ही कचरा है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन विलेजेस, यू कैन ऑल थिंग्स नेचुरल, not artificial but natural, all the things, the air, the sabzi, I mean the vegetables, fruits, everything you got natural, nothing artificial. क्रॉसिंग होता है और हम लोग भी क्रॉसिंग करेंगे। फिलहाल अभी कोई ट्रेन नहीं आ रहा है तो गेट खुला है, हम लोग बिंदा जा सकते हैं। तो ये रहा गेट, रेल गेट, छोटा सा गांव है लेकिन थोड़ा मोटा डेवलपमेंट भी है, गांव है लेकिन डेवलपमेंट चल रहा है और आगे अच्छा खासा डेवलपमेंट होता रहेगा। लगता है सरकार थोड़ा बहुत काम कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी है। ओके, देखते हैं कितना डेवलपमेंट होता है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हाई रोड, आई थिंक दिस इज़ द नेशनल हाईवे 31 नंबर नेशनल हाईवे।
जो बहुत ही सुंदर है एंड वी आर गोइंग टूअर्स काबाइटाजी हेयर वी आर हेयर नाउ इन शिमलागुड़ी हेडिंग टूअर्स काबाइटाजी लेट्स गो नाउ वी आर हेडिंग टूअर्स काबाइटाजी बाय द रोड नेशनल नेशनल हाईवे 31 सो एंजॉय करते रहिए ब्लॉग और हमारे साथ बने रहिए सामने वाले दोस्त को बुलाते हुए किसी रीजन के वजह से वह शायद आगे चला गया तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था ना इसीलिए बोला गया कि तुम लोग थोड़ा स्लो ड्राइव करो क्योंकि मैं चलो किल्ली करी के बंदा वीडियो बना रहा है ब्लॉग बना रहा है बोलो लोग मुझे देख के पागल बोल शायद पागल बोल रहे हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो वीडियो बनाना है और हाँ मैं पागलबंदी करूँगा तभी तो आप लोगों को मजा आएगा तो मैं पागलबंदी करूंगा पागलबंदी जिंदाबाद पागलबंदी जिंदाबाद। चलो आप लोगों का अभी नेशनल हाईवे का एक खूबसूरत नज़ारा भी दिखा देता हूँ और ये सामने नया रेलवे ट्रैक बनता हुआ एक है ऑलरेडी लेकिन डबल लाइन बन रहा है सही है डेवलपमेंट हो रहा है अपना इंडिया आगे बढ़ रहा है देख के अच्छा लगता है सर ये देखिए सामने क्या है इसे मछली पकड़ते हैं हम लोग लोकल भाषा में इसे फांसी बोलते हैं फांसी छोटा सा ब्रिज नीचे नदी या नाला मुझे नहीं पता यार खूबसूरत सा व्यू और ये रहा एक मंदिर आई डोंट नो कौन सा मंदिर है आई थिंक काली मंदिर है कबाडी के हुआ है कोई है देखता है तो पता चला कौन सा मंदिर ये देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिलीजन इस रिलीजन के बाद ये पेड़ अभी सेफ अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं काबाइटरी सॉरी अभी हम लोग चलंतपुरा में हैं चलंतपुरा मार्केट पहुंच गए ऑलमोस्ट और आगे हम काबाइटरी तक जाएंगे SBI बैंक में कुछ काम है मेरे भैया का तो इसी सिलसिले में आए थे हम और साथ में एक सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हुए सो लेट्स गो ये रहा चलंतपुरा मार्केट देखिए चलंतपुरा मार्केट दिस इज द सम व्यू ये कॉलेज है सॉरी एम ई स्कूल चलंतपुरा एम ई स्कूल इधर अच्छा लगता है और ये देखिए चलंतपुरा कॉलेज नहीं सॉरी हाई स्कूल एक्चुअली मैं खुशी के मारे कुछ भी बोल रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था साइन बोर्ड भी नहीं देख रहा था गेट भी नहीं देख रहा था कुछ भी बोल रहा था एक्चुअली वो था चलंतपुरा हाई स्कूल और एम ई स्कूल ठीक है सॉरी फॉर माई मिस्टेक अभी हम हमारे स्कूटी को खाना देंगे यानी तेल पेट्रोल तो पेट्रोल पंप जाएंगे और पेट्रोल घुसाएंगे आगे हम पेट्रोल पंप घुसाएंगे इतना पेट्रोल का प्राइस हाई हो गया ना यार डर ही लगता है घूमने में ये रहा छोटा सा पेट्रोल पंप अच्छा है नज़ारा देख लीजिए तो मैं तो बोला था कि हम लोग SBI में आने वाले हैं तो हम लोग आ गए SBI में अभी SBI में आ गए लेकिन आप लोगों को तो पता है SBI का वर्कर्स का हर टाइम इन लोगों का लंच टाइम होता है तो लंच करने गया है कोई बात नहीं हम लोग वेट कर लेंगे ये देखो हैंडसम बंदा को किसी लड़की ने बुलाया है इतना सुंदर लड़की ने बुलाया मुझे तो जलन हो रहा है देखता हूँ क्या करता है यार साला हैंडसम होने का फ़ायदा ही कुछ है मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है साला कोई भी सुंदर लड़की बुला लेते हैं तो देखा आप लोगों ने हैंडसम होने का फ़ायदा इसलिए हैंडसम बनो अगर हैंडसम नहीं हो तो क्रीम ऐसे ऐसा करके हैंडसम बन जाना ठीक है ये भाई देखो कितना खुश लग रहा है लड़की को मीट करने के बाद ओ भाई लड़की से मिलने से मन में लड्डू फूट रहा है भाई अरे कॉलेज का फ्रेंड था तो वही तो कॉलेज का फ्रेंड ही तो फ्रेंड होता है सिर्फ फ्रेंड या कुछ और इतना खुश हो गया देख लो एक बार इतना खुशी इतनी खुशी भाई इतनी खुशी ये देखो ये सारे मेरे दोस्त लोग कितना अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के आया है लेकिन आप उनको देखो ये ऐसा दिख रहा है ना ये झोला पहन के आ गया मैं कोई नहीं हम तो फकीर आदमी है
बोला ना कहीं भी चल देंगे झोला लेके। मैं SBI में आया था, इन लोगों का अभी लंच टाइम हो गया। एक्चुअली ऑफिशियल लंच टाइम क्या है पता है, 2:30 PM to 3 PM ओके, लेकिन अभी 1 बज रहा है बंदे को। अभी बोला ना साला SBI वर्कर को हमेशा लंच टाइम होता है, जब भी काम होता है लंच टाइम, लेकिन ऑफिशियल लंच टाइम होता है 2:30 PM to 3 PM, लेकिन अभी बज रहा है 1। उस साला गॉगल्स पहनने में मुझे भी हैंडसम लग रहा है वे, इसलिए तो साला गॉगल्स पहनता है। मुझे भी एक खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप उनके पास तो पैसा ही नहीं है, कोई भीख में देगा क्या, भीख देगा क्या कोई। तो भाई दुख की बात यह है कि हमारा काम नहीं हो पाया है SBI में, ड्यूटी सम अनवांटेड रीजंस। तो देखते हैं अभी घर लौट रहा हूँ, साथ में कुछ दिखा बताऊँ या नहीं, आगे तक बने रहिए। और कितना कुछ खाता वो दिखाता रहूँगा। हम लोग आ गए हैं होटल में, अभी कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते हैं क्या क्या खाते हैं। पैसा तो है नहीं ज़्यादा कुछ, भिखारी आदमी है हम, तो देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है। ये देखो हमें क्या कुछ खाने को मिल गया, भिखारी को खाना मिल गया फ्री में, और क्या चाहिए, समोसा फ्री में मिला है एक आंटी से, और ये बाटी, हम लोग लोकल भाषा में बाटी बोलते हैं, ये ठंडा ठंडा होता है अच्छा लगता है। मलाई करी कहते हैं ये, भैया ने बोल दिया। और ये हम लोग खा रहे हैं, पहले कौन सा खाओ, मलाई करी। और ये है भुक्कर भाई, देखो पहले ही शुरू कर दिया, मैंने बोला थोड़ा दिखाने दे मेरे ऑडियंस को, नहीं इसको खाना क्या है, ये भुक्कर है एक नंबर का, सुपा क्यों रहा है मुँह। तो ऐसे ही हम लोग खाना शुरू करेंगे अभी, और ये भैया शुरू कर दिया। तो अभी हम लोग खाएंगे ये सब फ्री में मिला है, भिखारी को फ्री में मिल जाए तो कितना खुशी मिलता है, इतनी खुशी, इतना अच्छा खाना। खा लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाएंगे। पहले कौन सा खाना चाहिए, ये वाला या ये वाला, पहले ये खा लेता हूँ है ना, फिर ठंडा करके चला जाऊँगा। चाहिए मस्त है, मैं खा लेता हूँ उसके बाद आता हूँ फिर। अभी हो गया हम लोगों का खाना, इसमें हम लोग खाना खा लिया, खाना इन देंस समोसा मिला और रसमलाई खाया, अच्छा लगा, फिर में मिला, फिर में क्या कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। अभी इतना कुछ खा लिया, अभी तो कुछ चबाना बनता है ना। देखो हम लोग ड्रग्स नहीं खाते, ड्रग्स नहीं लेते, आपको पता है ना शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स केस में अरेस्ट हो गया। हम लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, इलीगल चीज़ें नहीं लेते हैं। ये खाओ, ये शिखर, आप लोग मत खाना, मैं खाऊंगा थोड़ा सा। ये देखो गांव में अभी भी मिलता है ये सब, और ये सुंदर नज़ारा।